अबे यार ये गर्मी तो मार ही देगी, इसलिए आज मैंने डिसाइड किया कि मैं नहाऊंगा। शिनचैन चॉप क्या कर रहे होंगे? अबे ये क्या, तुम दोनों मुझे छोड़कर ही नहाने चले गए? हम भी जाते और पूल में छलांग मार। ओहो भाई यार क्या शांति मिल रही है, गर्मी में पानी से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। और आज मैं भी बाहर नहीं निकलूंगा, पूरे दिन पूल में पड़ा रहूंगा। जो सुकून मिल रहा है ना मैं आपको क्या बताऊं। अबे यार ये क्या, अब कौन कॉल कर रहा है? इसी टाइम मुझे शांति है ही नहीं, जान तो उठाऊंगा ही नहीं। अगर इमरजेंसी रही तो वापस करेगा। ये क्या गाइस, इसने तो वापस कर ही दिया, पक्का कोई जरूरी काम होगा। फोन उठा के देखता हूँ कौन है। टोनी। हाँ बोल भाई। फ्रैंकलिन तुम्हें मिलिट्री में भर्ती होना था ना? हाँ होना तो था, पर हुआ क्या? मिलिट्री वाले स्पेशल फोर्स के लिए सिलेक्शन कर रहे हैं। अगर तुम्हें भी सिलेक्ट होना है तो अभी के अभी निकलो, ये बहुत कम टाइम के लिए ही चलने वाला है। क्या बात कर रहा है सच्ची में? गाइस यार ये तो कमाल हो गया, अभी जाके शिनचैन चौक को बताता हूँ। अरे मेरी बात सुनो तुम दोनों जन, हमें अभी के अभी निकलना होगा। अरे पर जाना कहाँ पर है? मिलिट्री बेस। वो लोग स्पेशल फोर्स के लिए सिलेक्शन कर रहे हैं और मुझे किसी भी हालत में सिलेक्ट होना है, मेरा बहुत बड़ा सपना है। अरे क्या बात कर रही हो, पर आप वहाँ पर जाके करोगे क्या? आप तो एक छोटे से कॉकरोच से भी डर जाती हो। हाँ वैसे शिनचैन बोल तो एकदम सही रहा है, वहाँ तो बहुत बड़े बड़े दुश्मनों से लड़ना पड़ता है, अगर आप डर के भाग गए तो मिलिट्री का क्या होगा? पहली बात तो मिलिट्री में मैं अकेला काम तो करता हूँ नहीं ना, और कॉकरोच से डरना अलग बात है, हर किसी को किसी न किसी चीज से डर लगता ही है। अब तुम दोनों को आना है तो आओ, मैं तो जा रहा हूँ भाई। अरे चुप, लगता है फ्रैंकलिन भैया गुस्सा हो गए। हाँ अभी तो साथ में जाना ही पड़ेगा। अरे रुक जाओ हम भी आ रही है, चलो जल्दी से निकलते हैं, वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। अरे ये क्या तुम दोनों आ गए, अभी तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। अरे क्या करे मजबूरी में सब करना पड़ता है। नहीं भाई कोई जरूरत नहीं है, नहीं आना है तो मत आओ, उपकार मत करो मुझ पर। अरे हम कोई उपकार नहीं कर रही है, ये तो हमारी दोस्ती का फर्ज है। वैसे एक बात बताओ फ्रैंकलिन भैया, आपने इससे पहले तो मिलिट्री ज्वाइन की थी ना? अरे की तो थी, पर उसके बाद किसी रीजन से मुझे वो छोड़ना पड़ा। उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि जैसे मुझे वापस मौका मिलेगा मैं फिर से इंटरव्यू देने जाऊंगा। अच्छा इसी बात है क्या, काश के आपका सिलेक्शन हो जाए, फिर आप ज्यादातर टाइम मिलिट्री में रहोगी और हम लोग घर पर मस्ती कर पाएंगी। ऐसा तो मैं होने ही नहीं दूंगा, तेरी एक्स्ट्रा क्लासेस लगवा दूंगा। अरे नहीं नहीं फिर मैं अकेला क्या करूंगा? जो हमेशा करता है घर पर हकते रहना, पर इस बार तो साफ भी तुम दोनों को ही करना पड़ेगा क्योंकि मैं तो होऊंगा नहीं ना। अरे ये तो बहुत ही गलत बात है, मुझे कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं जाना, मैं बिल्कुल मस्ती नहीं करूंगा, प्लीज फ्रैंकलिन भैया। हाँ ठीक है चल रो मत, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अरे ये हुई ना बात, तुरंत पलट गया, अभी थोड़ी देर पहले तो रो रहा था। अरे वो तो मेरी एक्टिंग स्किल है, अब मैं आपको क्या ही बताऊं, मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूं। अरे अभी तो मैंने कुछ बोला भी नहीं ना तेरी तारीफ की। नहीं मुझे किसी की तारीफ की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मैं खास हूँ। ठीक है भाई अच्छी बात है, अब है ना हम लोग पहुँचने वाले, और प्लीज तुम दोनों के हाथ जोड़ता हूँ, यहाँ पर कुछ घोटाला मत कर देना, वरना हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हो जिसके बाद मैं फंसता हूँ। अरे नहीं नहीं हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप चिंता मत करो। अरे भाई गेट खोल। अबे यार ये लोग तो गेट खोल ही नहीं रहे, लगता है डायरेक्ट ही जाना पड़ेगा। अच्छा खोल रहा था क्या, मैंने थोड़ी घाई कर दी। कोई नहीं हो जाता है कभी कभी, और वैसे भी हम लोग लेट हो गए, बस उन्होंने किसी को सिलेक्ट ना किया हो वरना अपना चांस हाथ से चला जाएगा। गाड़ी को यही पर पार्क कर देते हैं क्योंकि आगे तो जगह मिलेगी नहीं। ओ भाई साहब गाइस यार या तो काफी ज्यादा लंबी लाइन लगी है, लोग देख रहे हो आप लोग? ये पूरा करते करते तो मुझे शाम हो जाएगी यार, इनसे पूछ के देखता हूँ कोई टाइमिंग है तो उस टाइम पे आ जाऊंगा। अरे खुद को शाना समझता है क्या, जा जाके पीछे खड़े हो जा वरना घर जा अपने। अरे मैं तो बस देखने आया था यार, आती बेइज्जती हो गई, अब तो लाइन में खड़ा रहना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। वैसे शिनचैन ने मेरी जगह रोक के रखी थी, पर इस चीज का कोई फायदा नहीं क्योंकि मेरे पीछे कोई आया ही नहीं, मैं ही सबसे लास्ट हूँ। अरे क्या हुआ अब वापस क्यों आ गई? आया नहीं भाई भगाया गया हूँ। चलो गाइस लाइन में लग जाते हैं, कुछ ही देर में नंबर तो आ ही जाएगा अगर ये लोग जल्दी करे तो। अरे चिंता मत करो ये लाइन फटाफट आगे बढ़ रही है, अभी तक तो कोई हिला भी नहीं है, फटाफट कैसे आगे बढ़ रही है? कुछ भी मत बोलो, ऐसे दिलासे का कोई मतलब नहीं है यार। अब तो खड़े खड़े 2 घंटे बीत गए, कब ये लाइन पूरी होगी यार? धूप देख रहे हो आप लोग सर पर, पसीना पसीना हो गया मैं आगे और पीछे से, मेरे तो टी शर्ट का रंग भी पीछे से बदल गया है। चलो गाइस 4 घंटे बाद फाइनली अपना नंबर आ चुका है। हाँ तो सर मुझे क्या करना होगा? यहाँ पर तो 2 जन है यार, हम शक्ल नहीं लग रहे। छोड़ो अपने को क्या, यहाँ पर गाइस हमें एक टास्क मिलने वाला है। सुनो बच्चे हमने सबको एक एक टास्क दिया है, अब कौन वो टास्क जल्दी से जल्दी पूरा करता है हम उसका सिलेक्शन करेंगे। हमारा एक फौज गायब हो चुका है, उसे किसी ने किडनैप कर लिया है, हमें उसकी लोकेशन पता है, तुम अगर उसे ढूंढ दोगे और वापस यहाँ पर सही सलामत लेकर आओगे तो हम तुम्हें सिलेक्ट कर सकते हैं, पर अगर तुम पहले पहुँचे तो। अरे बापरे आते ही इतना बड़ा टास्क, मुझे लगता है फ्रैंकलिन भैया के साथ नहीं आना चाहिए था, हम तो फालतू में ही फंस गए। अरे यार शिनचैन इसको फंसना थोड़ी बोलते हैं, ये मेरा पहला टास्क है यार, इसमें तो तुम दोनों मदद करोगे ना? देखो बच्चे तुम्हें जो करना है जल्दी करना होगा, यहाँ पर
टाइम लिमिट है, तुम अपने मन मर्जी से नहीं जा सकती। अरे मैं तो बोलता हूँ घर पर चलो, वैसे ही आपसे नहीं होने वाला है, मैंने कहा ना आप कॉकरोच से डर जाती हो। अरे नहीं शिनचैन चुप रहो। अबे यार सॉरी सॉरी, ये बच्चा कुछ भी बोलता है, इसकी आदत है, ये हमारी बेइज्जती हमेशा करवाएगा। आप लोग मुझे उसका लोकेशन भेज देना बस। अरे मुझे अपने घर का लोकेशन पता है, अब जाओ मैं चलता हूँ। अरे नहीं मैं भी आपके साथ आऊंगा। नहीं वह बच्चा अलाउड नहीं है, तुम नहीं जा सकते वहाँ पर, बस ये अकेला जाएगा। तो गाइस यार हम लोग निकल चुके हैं, उन्होंने जो लोकेशन दी थी ना हमें वो यहीं पर आके खत्म होती है, और मैं इस एरिया को जानता हूँ, यहाँ एक से एक टपोरी रहते हैं, मुझे तो ऐसे ही डर लग रहा है। उन्होंने जो मुझे गन दी थी वो ले लेता हूँ सेफ्टी के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्रेनिंग में मुझे गन मिल गई, तो उनको पता था गाइस कि मैं पहले भी मिलिट्री ज्वाइन कर चुका हूँ, अगर मुझे रीजॉइन करनी है तो मुझे ये मिशन पूरा करना होगा, हमें बस ये मिशन पूरा करना है। मुझे तो अंदर जाने से डर लग रहा है, पर जाना तो पड़ेगा। चलो भागते गाइस, जितना जल्दी हो सके ना निपटा देंगे। सबसे पहले तो उसको ढूंढना होगा, जरा देखे तो सही कहा हो सकता है। ओ, 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 ये इलाका तो पूरा भरा हुआ है, देख रहे हो कैसे कैसे लोग है यहाँ पर, सब एक से बढ़कर एक लग रहा है, इनको देख के ही मैं डर गया हूँ। कहा हो सकता है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी कुछ लोग खड़े हैं, इनसे पूछ के देखो क्या किसको, किसी ना किसी को तो पता ही होगा। नहीं यार पूछने का कोई मतलब नहीं है। एक मिनट, ये रहा अपना बंदा, गाइस यार फाइनली मिल गया, और इसके तो हाथ भी बंधे हुए नहीं है। वाह क्या बात है, तुम तो यहाँ पर पहुंच गए। हाँ पर एक चीज समझ नहीं आई, आपको देख के लग नहीं रहा कि इन्होंने आपको किडनैप किया था? हाँ इन्होंने मुझे किडनैप नहीं किया है, ये बस एक टास्क था। अरे यार क्या बात कर रहे हो, एक मिनट यार ये लोग कहाँ से आ गए अभी, ये सारे तो ज़ॉम्बी जैसे दिखाई दे रहे हैं, इनकी तो मैं ये कैसा टास्क होता है यार, मुझे नहीं पता था इतना मुश्किल काम देंगे ये लोग। शिनचैन ने सही बोला था यार, घर ही चले जाना चाहिए था। हाँ नहीं गाइस हम लोग हिम्मत नहीं हार सकते यार, हमें मिलिट्री ज्वाइन करनी है, स्कूल के लिए नहीं सिलेक्ट हो रहे हम लोग, खतरनाक काम तो होंगे, इससे भी खतरनाक होंगे, हमें करने पड़ेंगे। चलो चलो चलो, देश की सेवा करने से अच्छा क्या हो सकता है। और ये भी गई, इन्होंने लिटरली यहाँ पर ज़ॉम्बी छोड़ दिए यार। अरे 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 अरे, इसको तो मारने का कोई मतलब ही नहीं हो रहा है, मर ही नहीं रही है, तीरी तो दूर हट। चलो अब गई, फिर भी दो तीन जन बाकी है, एक और गया, और कोई बचा है? यहाँ पर भी है। अब यार मैं जैसे सोचता हूँ कि खत्म होने वाला है, ये लोग बढ़ जाते हैं। ये भी गया, और कोई बाकी है? हाँ चलो फाइनली मैंने सबको निपटा दिया है, और अब इसकी बारी। अबे नहीं, बचाऊ मैं, मुझे सर को बचाना होगा। मुझे नहीं पता कि ये टास्क था भी या नहीं, क्योंकि हमें तो बोला गया था खाली सर को लेके आना है। अब ये ज़ॉम्बी यहाँ पर पता नहीं मिलिट्री वालों ने छोड़े है, या फिर किसकी साजिश है, जाकर ही पता चलेगा। यार सर का गए, सर का गए। अब यार अभी तो यही पर थे सर। एक काम करता हूँ बाहर जाकर चेक करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लाशों में से तो दिखाई नहीं दे रहे, ये रहे। अरे यार आपको मेरी मदद करनी चाहिए तो आप भाग गए, ये तो बहुत गलत बात है। ये तुम्हारा टास्क था, मेरा टास्क नहीं था, पर तुमने इसे बखूबी निभाया है। अरे सर यार इतनी भी तारीफ मत करो, मुझे शर्म जाएगी, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ। अब चलो चलो यार गाइस, हमें वापस से मिलिट्री बेस जाना होगा, सर को सही सलामत पहुँचाना है। वैसे देखा जाए तो सही सलामती है, खुद को सही सलामत पहुँचा दे वो भी बहुत बड़ी बात है। निकलते यहाँ से और गाड़ी को एकदम स्पीड में भगाते हैं। वैसे आपको इतने गुंडों से भरे इलाके में डर नहीं लगा? हमारा काम ही यही है, अगर हम ऐसे ही डर जाएंगे तो फिर ये लोग हमसे कभी नहीं डरेंगे और हमेशा बुरे काम करेंगे। ये बात भी सही है। वैसे आपको नहीं लगा कि ये ज़ॉम्बी छोड़ देना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा? नहीं हमें बिल्कुल भी नहीं लगा, तुम पहले भी ट्रेन हो चुके हो तो तुम्हें इनका सामना करना तो आना ही चाहिए, और ये खतरा तो कुछ भी नहीं था, ये सारे कमजोर ज़ॉम्बीज थे। हाँ मतलब कमजोर थे, पर अगर काट लेते तो मैं भी ज़ॉम्बी बन सकता था ना। चुपचाप निकल के चलो आगे। हाँ सर जा रहा हूँ, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, गुस्सा मत होइए। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके, पता नहीं अपना सिलेक्शन हो गया नहीं, मैंने तो बहुत अच्छे से किया टास्क को। अरे ये क्या, अब वापस आ गई, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है, चेक करो चौप कहीं इनके आत्मा तो नहीं। अरे नहीं नहीं फ्रैंकलिन भैया भी जिंदा है। वाह बच्चा तुमने कमाल कर दिया, तुम सिलेक्ट हो गए हो, सब लोगों ने टास्क छोड़ दिया बीच में ही डर के मारे, तुम और एक और जन थे जिन्होंने टास्क पूरा किया है, तुम दोनों को बधाई हो, तुम दोनों का सिलेक्शन होता है। क्या बात कर रहे हो, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना नाम बोलो, हमें अंदर रजिस्टर करना है। मेरा नाम फ्रैंकलिन है, और उम्र 30 साल के आसपास लिख दीजिए। यार अब फिर से हम लोग मिलिट्री में शामिल हो चुके हैं, वैसे कोई और टास्क है तो मुझे बता सकते आप लोग, मैं करने को तैयार हूँ। तुम्हारे बोलने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से निकलो तुम्हें अपना फोन आ जाएगा, एक बहुत बड़ा काम अटका हुआ है, तुम्हें उसमें मदद करवानी होगी। ओके तो शिनचैन चौप चलो, नहीं तुम लोग यहीं पर रुको मैं वापस आता हूँ। वाह खतरा भी हो सकता है गाइस, इनको भेज के क्या करूंगा। हम चलते फटाफट यहाँ से, गाड़ी में बैठ के निकलते तुरंत। इन्होंने जो लोकेशन दिया ना गाइस वो तो बैंक के पास है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बैंक में कोई लूटपाट हो रही है? हो भी सकता है, लॉस सेंटर से भाई कुछ बोल नहीं सकते, आए दिन कोई ना कोई मुजरिम डाका डालता ही रहता है, यहाँ के सोल्जर्स कम है और मुजरिम ज्यादा, और हमारा काम है उनका खात्मा करना, तो हम पूरी मेहनत से काम करेंगे। थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे गाइस। एक मिनट, मिलिट्री की गाड़ी हमारे पीछे आ रही है क्या? अबे ये लोग मेरे पे नजर रख रहे हैं कि मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ या नहीं। चलो ठीक है, नजर में रहूंगा तो और अच्छे से करूंगा। मेरा शक लगता है एकदम सही है गाइस,
ये लोग बैंक के पास ही खड़े है। जल्दी से जाके पूछता हूँ कि एग्जैक्ट क्या हो रहा है यहाँ पर, पता तो चले हमारे लायक है भी या नहीं। सर यहाँ पर क्या चल रहा है आप मुझे बता सकते हो? ये लोग गन तान के किस पे खड़े? दरअसल यहाँ पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, एक बहुत बड़ा ग्रुप अंदर घुस चुका है और लोग भी है अंदर। हमें बैंक को लूटने से भी बचाना है और अंदर जितने हॉस्टेज है उन्हें भी। हाँ तो मैं आपकी इसमें मदद कर सकता हूँ, आप बस बोलिए करना क्या है। तुम मदद कर सकते हो इसलिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया है ना। देखो हम सबने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, वो लोग तुरंत पहचान जाएंगे, पर अगर तुम अंदर घुसोगे तो वो लोग शक नहीं कर पाएंगे कि हमारा आदमी कौन सा है। हाँ ये काम कर सकता है। गाइस यार क्या आइडिया दिया है, आप चिंता मत कीजिए मैं सबको बचा के लाऊंगा। जुड़वा भाइयों थोड़ा साइड हट जाओ, अब गाइस जल्दी जल्दी चलते हैं अंदर। हाँ चलो अंदर तो घुस चुके हैं। ओ इन्होंने तो सच्ची में हॉस्टेज बना के रखा है लोगों को। इनको यही से टपका दूं क्या? थोड़ा सा डर लग रहा है पर करना तो पड़ेगा ही। ये गया पहला, थोड़ा स्पीड में काम लेना होगा। ये गया दूसरा, आगे साइलेंसर लगा हुआ है तो इनको ध्यान में भी नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। वो अपने में लगा हुआ है, उसको पता भी नहीं है। यहाँ से भाग के जाते उसे जाके पीछे से मारना पड़ेगा क्योंकि अगर उसने देख लिया तो सबको मार देगा। और ये गया टकला। गाइस यहाँ पर मैंने किसी और को भी देखा था यार, वो रहा चुपके बैठा था। एक और है गाइस मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है, इसे भी टपकाना पड़ेगा। जल्दी से जाते हैं और ये गया। अबे नींद में थे क्या, एक दूसरे को मरते हुए देखते रहे? चलो अपने को क्या, आप सब लोग सेफ हो और यहाँ से निकल सकते हो, जल्दी जल्दी आ जाओ बाहर। गाइस यार हमने सबको बचा लिया है, ऑफिसर काम हो गया, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, इन्होंने बैंक को भी नहीं लूटा। और लूटा होगा तो माल इनके पास ही होगा, अंदर ही पड़े सब। वाह तुमने कमाल कर दिया, हमें तुम पर नाज है, स्वागत है तुम्हारा मिलिट्री में। हाँ पर आप तो पुलिस वाले हो। छोड़ो गाइस क्या ही फर्क पड़ता है, बधाई तो कोई भी दे सकता है। अब निकलते हैं यहाँ से, हमें सीधा जाना पड़ेगा फिर से मिलिट्री बेस और जाके बताना पड़ेगा अपनी बहादुरी के बारे में, कितने अच्छे काम किए अपन ने। गाड़ी को यहाँ पर पार्क करते हैं और जाते सीधा वहाँ पर भाग के। शिनचैन चौप भी बेचारे धूप में खड़े खड़े थक गए होंगे। सर मैंने अपना काम कर दिया है, मैंने अपने दोनों टास्क पूरे किए। वाह तुमने कमाल कर दिया है, और तुम दोनों में से अब तुमने ही खाली अच्छा काम किया, दूसरा वाला भी भाग चुका है तो बधाई हो, तुम स्पेशल फोर्स का हिस्सा हो, ये लो तुम्हारी यूनिफॉर्म। गाइस यार क्या बात है, कैसा लग रहा हूँ मैं, जच रहा हूँ क्या? नहीं अरे वाह आप तो बहुत ही कमाल के लग रही हो। हाँ वो तो लगेंगे ही ना, इसमें इनकी शक्ल जो नहीं दिख रही। अरे यार क्यों चौप, हमेशा बेइज्जती करना जरूरी नहीं है। तो गाइस यार ये लोग बन नहीं होने वाले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उसी के साथ हमें फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। मैं मिलूंगा आपसे अपने अगली वीडियो में। जय हिंद।